मम्मी गुजिया कब बनाओगे? मम्मी गुजिया कब बनाओगे? गुजिया पहले खाना तो खा ले, अभी तो खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में क्या बन रहा है? खाने में आज ये डुबुक है। हाँ डुबके बना रही है, डुबके और चावल मैंने भिगो के रखे हैं। चावल रख देती हूँ, रख ही देती हूँ यार, फिर जल्दी से निपटेंगे ना काम वाम से और फिर गुजिया बनाएंगे आज तो। और सुबह सुबह हमने जो है ब्रेड खा लिए थे अभी। ब्रेड हाँ तुमने तो खा लिए ना? हाँ बस मैं भी खाना वाना बना देती हूँ, फिर हम लोग भी खा लेंगे। लाइटर कहाँ? फिर हम बनाएंगे गुजिया। देखो हम लोग खा रहे हैं डुबके और भात, अभी मम्मी दादी भी खाएंगे और मेरे रख दिया अभी, तो ये देखो हम खा रहे हैं। देख माई कल एक नई बास्केट ली हमने, ये लास्ट कैसी है? बहुत अच्छी। अच्छी है? मैंने इसलिए अच्छी कहा क्योंकि सिर्फ वो उसी उस वाले टब में ना सारा पानी सूखता नहीं है, तो इसलिए। अच्छा। और ये देखो हमने क्या निकाल रखे हैं, दिवाली का गिफ्ट आज खुल रहा है जो कि, चलो चलो अंदर चलते हैं फटाफट से। और अभी जो है वो बनाने की तैयारी चल रही है। क्या बनाने की? गुजिया। गुजिया जब गुजिया बनेगी तभी तो खाएगी। पिछली बार भी होली में नहीं मिले थे और ये हर बार परेशान करते हैं। हाँ हम ऐसे होली आती तो हम रख देते हैं इनको संभाल के गुजिया बनाने के बाद, और फिर अगली होली में मिलते ही नहीं है। पिछली होली में हमको नहीं मिले थे, हमने किससे मांगे थे फिर बनाए थे। चलो इस बार तो हमने ढूंढे थे। और जब पता है जब बना लिए थे ना उसके तुरंत बाद मुझे याद आ गया था मैंने कहाँ रखे हैं, और फिर रात को मिल भी गए थे। पिछले ऐसे इस बार तभी तो पहले यही ढूंढे मैंने, मैंने कहा फिर पता चला बैठे हैं हम बनाने के लिए और फिर वो फिर से गायब हो जाएंगे। वैसे थोड़ा थोड़ा तो मुझे इस बार याद था कि कहाँ रखे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ना अगली बार संभाल के रखना अगली। तो दोस्तों पहले मम्मी गूंद रही थी, थोड़ा उन्होंने गूंदा, फिर अब मम्मी थक गई हैं गूद रही हूँ। अब इसको अच्छे से खूब गूदना पड़ता है ना इसको, तो अब मैं गूदूँगी और फिर लगभग अभी मेरे गूदते गूदते हो ही चुका है। देखो प्लेन तो हो गया, अभी काफ़ी देर गूद लिया मैंने भी। अगर आटा अच्छा गूदा हो ना तो गुजिया बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, सटासट सब काम हो जाता है। तो अभी वहाँ पे बना रही है मम्मी गुजिया और दादी यहाँ पे बेल ली है, और यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच पाँच बन भी चुकी है। और यहाँ पे तो दोस्तों अभी इतने सारे बन चुके हैं और दादी अभी बेल ली है और मम्मी भी कर ली है, तो अभी और बनेंगे। दोस्तों गुजिया बन रही है और बन रही हैं, दिन में से बन रही हैं, शाम को बन रही हैं और रात को भी बन ही रही हैं। गुजिया बनाना बहुत बोरिंग काम है। यहाँ पर हमारी गुजिया बन ही रही है तो इतने में दीदी भी आ गए हैं और देखो हमारे साथ वो भी हेल्प कराने में लग गए हैं।
अभी तो ज़रूरत भी थी, लग भी रहा था कि कोई होता साथ में तो और अच्छा था, क्योंकि एक दो लोगों से इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है गुजिया का। अगर दो चार लोग होते हैं तो कोई भर लेता है, कोई तल लेता है, कोई बेल लेता है, तो जल्दी काम निपट जाता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग दो तीन लोग हो गए हैं तो बातों बातों में पता भी नहीं चल रहा है टाइम का, और काम भी हो जा रहा है जल्दी जल्दी। अभी हम दो तीन लोग हो गए थे बनाने वाले, तो हमने गुजिया तलना भी शुरू कर दिया है। तो देखिए हमारी गुजिया तैयार हो चुकी है, तो सबसे पहले भोग लगेगा भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को। मेरा गुजिया तो बन गई सारी की सारी, बहुत सारी। अब इसका मैं खाने बना रही हूँ नमक पारे। तो यहाँ पे दादी जो है बाकी गुजिया को जो है वो कर रही है, भून मतलब फ्राई कर रही है, तल रही है। तो देखो यहाँ पे नमक पारे जो है हमने कट कर दिए थे शेप में, और यहाँ पे देखो एक पारी के बन भी चुके हैं। तो जब पूरे बन जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। थ्री सोर्स ऑफ वाटर, रेन, पॉन्ड, राइट थ्री यूज ऑफ वाटर, राइट थ्री यूज ऑफ वाटर। एक तो हम देख पानी पीते हैं, हाँ ये प्लांट में यूज करते हैं। नहीं इसमें तूने लिख रखा है पानी पीते हैं, हाँ वो भी हो सकता है, और हम नहाते भी हैं, और हम उससे खाने भी बनाते हैं, है ना। तो इसका क्या होता है, बाथिंग, बाथिंग भी होता है। तो वही तो नहाने को बाथिंग कहते हैं, ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग। अब फिल द ब्लैंक्स, वी नीड डैश टू ब्रीथ, dash pond and dash the source of water, rain river, dash is the main source of water, rain, spinach and dash are trees, herbs, brinjal, farmer provide water to dash, plant, very small plant are called brinjal, very small plant called herbs, dash are the plants that need support to grow, jinko support chahiye hota hai upar jaane ke liye, creeper to niche rehte hai ground mein, climbers ko hum support dete hai tab upar jaate hai, acha jinko support chahiye। तो दोस्तों आज जो है हम लोग खाना बाहर से लेके आ गए थे, क्योंकि गुजिया बनाने में हमें थोड़ा लेट हो गया था इसलिए। तो दोस्तों अभी हम ले आए हैं सारा खाना बाहर खाने के लिए, और देखो यहाँ पे ये नान, ये चटनी है, ये सिरके वाले प्याज है, और ये नॉर्मल प्याज है, ये रायता है, ये दाल मखनी है, ये कढ़ाई पनीर है, और गैस जो भी चीज़ हो, लेकिन ये पहाड़ी नमक तो किसी में भी पीछे नहीं रहता। बाहर से खाना है लेकिन फिर भी पहाड़ी नमक आया है। दोस्तों अभी आए हैं हम खाना वाना खा पी करके बाहर टहलने थोड़ी देर के लिए, और क्योंकि आज खाना क्या हो गया था, थोड़ा हैवी हो गया था आज। नंदा देवी चौक, तब ये है मेरा नंदा देवी मंदिर। और यहाँ पे आपको एक फेमस यूट्यूबर का नाम बताती हूँ, मास्टर बटर। ये उनका गेट, ये आपको जो आगे गेट दिख रहा है ये उनका ही गेट है, और ये रहा, और ये रहा गेट, और यहीं पे वो चाउमीन भी खाते हैं। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम अपने घर को, और क्योंकि टाइम भी हो ही गया है, और देखो चंदा मामा भी कितने सुंदर आ रखे हैं आज। क्या था 11 बजे नीलाक्ष, क्या था 11 बजे? 11 बजे नहीं, 3 बजे भूत तैयार होते हैं ना, हम पार्क जाएंगे भूतों के साथ। हाँ ओ माय गॉड, क्यों? अरे यार हमको कोई डर नहीं लगता। डर नहीं लगता आपको भूतों से? अच्छा जी,
निराश भूतों से डरता भी नहीं है, निराश भूतों से नहीं डरता। तो आ चुके हैं हम घूम के, और आज कल गर्मियों में ना शाम को एक चक्कर लगा लो तो बहुत अच्छा लगता है, नींद भी अच्छी आती है फिर रात को। तो ऐसे ही अब हम डेली शायद से सोच रहे हैं डेली आएँ घूमने के लिए एक चक्कर। पहले से हम जाते थे डेली, मॉर्निंग में भी जाते थे, आइसक्रीम भी खा के आते थे, हाँ शाम को आइसक्रीम भी खा के आते थे। लेकिन अभी तो मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, आइसक्रीम खाने वाला है नहीं। खाएंगे आइसक्रीम भी एक दिन, जरूर खाएंगे। और तो अभी के लिए ब्लॉग में बस इतना ही, और ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और होली की तैयारियों में लगे रहिएगा, होली क्योंकि जल्दी ही आने वाली है। तो बाय बाय।